उस भारतीय जनता पार्टी को 45 लाख का 2 करोड़ रुपए प्रत्याशी दे भी लगा पिछले 15 साल से। 2014 में चांदलाल जी को लाया हरियाणा से, फिर बालकनाथ जी को लाया हरियाणा से, और अब भूपेंद्र जी को लाया हरियाणा से, और हरियाणा का क्षेत्र पर हमारे 2-1 जिले मिला के इनका होगा मुश्किल। तो पूरे राजस्थान में पूरे अलवर जिले में बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिला। मित्रों, भूपेंद्र यादव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनके बारे में कहा जाता है, मेरे एक मित्र मेरे पास आए थे, ललित जी आप सुन रहे इस बात को क्योंकि ये लोग आपसे बिल्कुल लगा के बैठे सारे, वो भूपेंद्र जी ने किसी को मिलने का टाइम दे दिया दिल्ली का, बोलो कल आधा सुबह 9:30 बजे, वो बेचारा 3-4 हजार की गाड़ी किराया करके दिल्ली पहुंच गया, 3 घंटे उसने वेट किया, पर्ची भिजवाई अपनी, और बाद में उसको एक मैसेज दे दिया उनमें आपको कहीं साहब बाहर जा रहे दौरे पे और आप कल आओ। तो दोस्तों 5,000 रुपए तो खर्च होंगे दिल्ली तक जाने में, और मिले ना मिले कोई गारंटी ना है। और नेता कैसा चाहिए? नेता ऐसा चाहिए अपने घर का जो आधी रात में फोन करो, फोन उठा दे, आधी रात में घर के दरवाजे खटखटा हुआ आपको दरवाजे खुले रख ले, और ऐसा प्रत्याशी कौन है? भाई ललित यादव। तो देखो हम तो ढाई टप्पे की एक बात जाने, जो व्यक्ति अपनी पकड़ में हो ना भाई नेता उसे बनो, पकड़ में ललित यादव है, भूपेंद्र यादव सारी पकड़ में रह सके। ज्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं, आप सबके चरणों में मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, परसों गोकनाथ जी वहां तिजारा में लग रहे हैं चार, और हम परसों मीटिंग थी तिजारा में ललित जी को तिजारा वाले कह रहे साहब 50,000 से ज्यादा वोट सोचे तक भेजे, तब ये कपूर साहब से मैंने की करी आप क्या कर रहे हो सर, आप भी तो किशनगढ़ के पुरवारी हो, बोलो साहब ये तो बात कर रहा है तिजारा वाला, तो हमारे किशनगढ़ वाले तो प्रैक्टिकल में 50 से ज्यादा जिता के भेजे, ये सही बात है क्या एमएलए साहब ऐसे कह रहे थे? तो अगर मेरी बात से सर